हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो दोस्तों, ये ब्लॉग एकदम फ्री स्टाइल होने वाला है और बस लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने सोचा कैमरा उठाते शूट करते हैं, लेट्स ब्रेक सम आइस। तो जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, उनको ये बात तो पता लग गई होगी कि मैं पिछले 3 हफ्तों से एकदम से गुमशुदा मिस 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 इंडिया मिस्टर इंडिया एकदम गायब हूँ। तो आज से लगभग 10 दिन पहले अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फ्राइडे को मैंने काम किया, मुझे इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं नॉर्मल मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी, स्वेटर, जैकेट, कंबल, टोपी, मोजा सब ओढ़ आढ़ के अपना काम कर रही थी ऑफिस का। जैसे तैसे फ्राइडे का दिन बीता, छुट्टी नहीं ली थी मैंने, रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। किसी तरह से पानी की पट्टी वट्टी करने के बाद मैं सो पाई रात में। सुबह उठे तो आपको जैसे पता है कि जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स, सॉरी अगर मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है, तो जर्मनी में अगर अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है तो कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो इमरजेंसी में भी, नॉट अ प्रॉब्लम। और सैटरडे संडे को जैसे यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स जो होते हैं बंद होते हैं उनके क्लिनिक, तो कोई डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं होता है। तो सैटरडे को इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी आप डॉक्टर के पास विजिट करने जा सकते हो। तो हमने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर के पास विजिट करने गए। हाँ, तो जैसे हम गए डॉक्टर के पास, तो पहले पहले जब भी आप जाते हो ना यहाँ पे डॉक्टर के पास, और अगर आपने ये बोल दिया कि आपको फीवर है, तो पहला चीज़ जो वो टेस्ट करते हैं वो है कोविड टेस्ट। वो कोविड टेस्ट करते हैं आपका। मेरा भी कोविड टेस्ट हुआ। कोविड जैसे ही टेस्ट किया तो वहाँ पे इसमें एक छोटा सा टेस्ट किट रहता है जिसमें एक कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन होती है। हम देख रहे हैं कि यार मेरी तो टेस्ट लाइन दिख रही है एकदम डार्क सी। मुझे लगा कि यार ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, नहीं नहीं ये कुछ और ही होगा। मतलब मुझे भरोसा नहीं हुआ एक जब बात को, बिकॉज नर्स कह रही ना, वो किट रख के चली गई और बोली कि ये जस्ट सी, मैं आती हूँ कुछ करके। हमने देखा कंट्रोल लाइन टेस्ट लाइन दोनों आ गई। फिर फाइनली जैसे नर्स ने मुझे जैसे जैसे मुझसे बिहेव करना शुरू मतलब स्टार्ट किया, राइट, द वे शी वॉज बिहेविंग, वो स्टे अवे करके मुझे समझ में आ गया। उसने बताया कि मुझे कोविड हो गया है। और मुझे अभी तक, जब जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, मुझे कभी कोविड नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम था मेरा कोविड का। उसके बाद क्या था, फिर इन लोगों ने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से भी दूर दूर से मिले। जैसे डॉक्टर को पता चला कि भाई ये कोविड पेशेंट है, तो एकदम अपने नर्स पे चलना लगा, भाई इनको यहाँ पे क्यों लेके आ गए, दूर एकदम बैठाया बैठाया। मैं बैठी थी, सिक नोट मैंने मतलब ऑफिस से, ये मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं मंडे को काम नहीं कर सकती थी। मैंने सिक नोट वगैरह लिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसे, अच्छा पहले जाते ही एक दो गोली खिलाई, एक सर दर्द की, एक बुखार की, और उसके बाद बोला कि कोई भी पैरासीटामोल वगैरह हो या बुखार की दवा, सर दर्द की दवा हो तो वो 2-3 दिन तक ले लेना, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं घर चली गई। घर आने के बाद भाई मैं घर ही में मतलब पूरे टाइम थी, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर मैं थोड़ी देर भी खड़ी हो जाऊँ ना, मतलब हॉस्पिटल से भी आने के लिए, अगर मैं कहीं से भी थोड़ा देर के लिए भी मतलब खड़ी हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, वैसे मैं घर से निकली भी सिर्फ 2 ही बार, सिर्फ डॉक्टर को विजिट करने के लिए, बट वो मतलब मेरे से बिल्कुल एनर्जी ख़त्म पूरी। एक बहुत वियर्ड चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो ये, मुझे लगा कि यार मेरे टेस्ट को क्या हो गया है। मैं पानी भी पी रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी ने कड़वी चीज़ डाल दी हो। 2-3 दिन तक तो मुझे सारे खाने, पानी, सब कुछ एकदम कड़वा, मुझे खाने वाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। टेस्ट वॉज गॉन, एनर्जी लेवल मतलब बैठ नहीं सकती मैं पूरे टाइम, मतलब बस लेटी हुई हूँ। सबसे मतलब इसमें जो सबसे बुरी चीज़ होती है ना, कि आपको पूरे टाइम अपने कमरे में, घर में कैद होके रहना पड़ता है, और कोई भी आएगा ना, कोविड ऐसी चीज़ है, अगर आप अकेले नहीं रह रहे हो, कोई अगर है आपका पार्टनर, आप डेफिनेटली उसको इन्फेक्ट करोगे ही करोगे, कितना भी करोगे। यार जर्मनी में इतने बड़े घर तो होते नहीं है कि 50 वॉशरूम, या हम इतने तो बड़े घर में रहते नहीं है, वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं, कितने भी 50 भी बार हाथ धुल रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि इन्फेक्ट आप करोगे। तो वो एक जो ट्रॉमा रहता है ना आइसोलेट करने का, ये सब चीज़ करने का, बाप रे बाप, 3-4 दिन मतलब क्या, सैटरडे संडे लेके, और 3 दिन तो मैं पूरा मैंने रेस्ट किया, तो वो 3 दिन तो मेरे एकदम जहन्नुम में बीते हैं। गला आप अगर देख सकते हो, दिस हैज़ अभी लगभग जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये, तो
तो मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो चुके हैं, कोविड नेगेटिव मेरा आ चुका है, पर मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं अभी भी जब ऑफिस का कॉल अटेंड करती हूँ तो मुझे म्यूट में जाके पहले खांसना पड़ता है, वॉमिटिंग फील होती है, बिकॉज मेरा थ्रोट बहुत ड्राई हो जाता है। पानी पीती हूँ फिर जाके कुछ बोलती हूँ। तो भाई क्या कर सकते हैं यार, कितने दिन तक कोई छुट्टी लेगा? और इतना भी क्रिटिकल नहीं हो जाता है कि छुट्टी लो, बट हाँ ये है कि जो मैंने सुना है या जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ भाई, कि ये है कि इतने जल्दी आपको कोविड नहीं छोड़ता है, आपका सब सिम्टम चला जाता है, बट ये गला जो है ना काफ़ी, मेरा तो बहुत टाइम ले रहा है। आई जस्ट विश कि आप लोगों को मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद है तो मेरा गला बस वापस आ जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। तो बस यही है, यही मेरा लाइफ अपडेट है, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी एकदम से स्टॉप कर दिया था। कुछ भी मेरा मन नहीं होता था कि कुछ मैं कुछ भी करूँ, क्या कुछ भी वीडियो बनाऊँ, कुछ भी करूँ। और क्या बनाऊँगी यार, ये भय भय वाली आवाज़ के साथ, फटे बांस के साथ मैं क्या वीडियो बनाऊँगी? तो बस अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलो चलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है वो है हरियाली तीज, तो मेरे यहाँ फास्ट रखा जाता है, निराजल फास्ट हरियाली तीज का, तो उसकी भी प्रिपरेशन वगैरह करनी है। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि क्या करने वाले, कैसे सेलिब्रेट करने वाले। चलो तो आप सभी को हैप्पी तीज। आई डोंट नो ये वीडियो कब जाएगा, तीज वाले दिन तो नहीं जा पाएगा, बट स्टिल तो आज तीज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मेहंदी लगाएंगे और जो भी कर सकते हैं यार, अभी जर्मनी में जितना हो पाता उतना ही करेंगे। अभी मेरा ऑफिस खत्म हुआ है जस्ट, तो अब पूजा करने का टाइम हो गया है। मेहंदी प्लीज डोंट जज मी, बिकॉज मेरे पास जितनी मेहंदी बची हुई थी उसमें मैंने यही इतना ही लगा पाई हूँ। और मेहंदी का तो हो गया, रात में कल लगा ली थी और अभी रेडी हो गए हैं। शाम के कितने बज रहे हैं? हाँ 6:20, बाकी आप पीछे क्लॉक देख सकते हो, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। तो चलो अभी मंदिर में चलते हैं, पूजा करते हैं। सो टाइम फॉर आउटफिट आउटफिट चेक। अब देख सकते हो मेरी ड्रेस, मैंने लहंगा पहना हुआ है और ये दुपट्टा, बाय द वे ये पूरा इंडिया से ही है, जब मम्मी आई थी ना तो मैंने मंगाया हुआ था। ये गले में जो आप देख रहे हो एसेसरीज, ये नेपाल से आई है, तो मेरी दीदी ने मुझे ऐसे बहुत सारे, मतलब नेपाल में पहनती हैं, मतलब मैरिड वुमेन इसको पहनती हैं, तो ये वहां से है। और बाकी ये जर्मनी का आइटम है और मैं तो पूरी मेड इन इंडिया हूँ, आपको पता ही है। तो चल चलते हैं। गाइस हो गई मेरी पूजा, अभी तो नहीं पानी पी सकती हूँ, थोड़ा टाइम है अभी, जब 12 बज जाएगा ना इंडिया का एटलीस्ट तभी मैं पानी पीऊंगी। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर, टीवी भी देखते हैं मस्त, और फिर होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो अगर देखने हैं इस टाइप के, थोड़े घरेलू वाले, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियोस देखने हैं। आई विल सी यू सून अगेन। जय श्री शंभू।